नमस्कार भैया, क्या नाम आपका, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? जी भैया, मेरा नाम सौरभ है, मैं जयपुर से हूँ। क्या समस्या है आपके दांत में? भैया मेरे दांत में समस्या थी, मेरे दांत में बैक्टीरिया लग गया था। कब से दिक्कत थी आपको ये? हाँ भैया, ये दिक्कत थी मुझे लगभग 4 साल पहले से। तो क्या ट्रीटमेंट हुआ है आपके दांत में? मेरे दांत में ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब ने रूट कैनल करा था। और कोई समस्या भी आपको? रूट कैनाल करने के बाद कंप्लीट हो गया था मेरे बैक्टीरिया जाने के बाद। फिर उसके बाद जो है मुझे कोविड हो गया था, मैं कैप नहीं लगवा सका था उस समय। मैं थोड़ा सा लापरवाह रहा था उस चीज़ के लिए जो है। और उसके बाद 1.5 साल बाद फिर मुझे जो है उसमें बैक्टीरिया फिर से लग गया और उसमें पस पड़ गया था। और फिर उसके बाद जब पस पड़ गया तो मुझे महसूस हुई तो बड़ी दिक्कत हो गई, विकट समस्या खड़ी हो गई हमारे लिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए थे, डॉक्टर साहब ने उसको चेक करा, उसको सही करा, देखे थे उन्होंने, उन्होंने बताया था कि इसको चेक करते हैं, देखते हैं, फिर करेंगे इसका जैसा भी होगा अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट। फिर डॉक्टर साहब ने करा था, फिर उसके बाद आज मेरा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस टीथ का और मुझे डॉक्टर साहब टीथ लगा चुके हैं। तो अब मैं महसूस ये चीज़ करता हूँ काफ़ी जो है, अगर मैं उसी समय कैप लगवा लिया होता अगर तो मुझे इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। मैं थोड़ा लापरवाह रहा था, उस चक्कर में मुझे बड़ी परेशानी हुई वाली। अभी आपका दांत कैसा है? अब मेरा दांत बिल्कुल सही है, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कर चुके हैं एकदम। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके, एकदम बढ़िया चीज़ हो चुकी है मेरे लिए। जैसा आपके साथ हुआ इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस देना चाहेंगे पेशेंट को? बिल्कुल एक्सपीरियंस देना चाहिए दांत के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, हेल्थ ट्रीटमेंट, किसी भी चीज़ के लिए हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ हो सब चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी सेहत सही है तो सब कुछ सही है। डॉक्टर साहब कुछ और बताना चाहेंगे? डॉक्टर साहब का नेचर बहुत बढ़िया है, बिल्कुल मिलनसार हैं, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अपने भाइयों का कर रहे हों, बहनों का कर रहे हों, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। मतलब महसूस होता है कि हम अपने घर में ही आके ट्रीटमेंट करा रहे हैं। ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू, वेलकम।